नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा नौगांव तहसील का औचक निरीक्षण किया गया। यहां पर संबंधित अधिकारियों की मीटिंग ली गई। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जब मामला कॉक्स डिस्लरी पर आया तो उन्होंने कहा कि इस मामले को दिखवाया जाएगा। दरअसल नौगांव कॉक्स डिस्लरी की अनियमितताओं को लेकर सवाल किया गया कि डिस्लरी की चिमनियों से निकलने वाला बदबू वाला धुआं लोगों को सांस लेने में दिक्कत कर रहा है, जिससे कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर कलेक्टर ने कहा कि इस मामले को दिखवाया जाएगा। वहीं चाइल्ड लेबर अधिनियम और डिस्लरी के मानकों पर सवाल पूछने पर शीलेंद्र सिंह ने गोलमोल जवाब देते हुए पल्ला झाड़ लिया। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी कलेक्टर ने अपनी बात सामने रखी। सब जगह छल्ला भी कार्रवाइयां हुई हैं, अब गड़ी मलेरा में आज कार्रवाई हो रही है। सर, नौगांव में डिस्लरी है सर, उसकी सर गंदे से लोग शाम सुबह बहुत परेशान है और उसका दूषित पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है, वही नलों से लोगों तक पहुंचता है सर। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कई बार थाना पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई है वहाँ पे जाके। उसको मैं जांच करा लेंगे, अभी क्योंकि आप पहली बार मुझे बता रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है, जांच करा के देखेंगे, अगर गड़बड़ होगा तो कार्रवाई। सर, नौगांव की कॉक्स डिस्लरी जो HRD के मानक होते हैं, आपने बताया ना कि जो गड़बड़ियाँ हैं उसकी जांच करा लेंगे। आपको कॉक्स के मानक हैं तो बताओ क्या क्या मानक हैं, तो मैं उस पर भी विचार कर लूँगा। तो सर, चाइल्ड लेबर के तौर पर रखते हैं वो लोग, ये कॉक्स डिस्लरी के मानक थोड़ी हैं, तो लेबर एक्ट के हैं। डिस्लरी के मानक बताओ ना आपने, क्योंकि बड़ा भारी मुद्दा पूछा है, तो बताओ क्या क्या मानक नहीं फॉलो हो रहे हैं, तो मैं उस पर जाँच करा लूँगा। सर, पहले तो जो पानी निकासी उसकी व्यवस्था करनी, बता दिया उन्होंने, इसके अलावा बताओ।